the 11th chapter of NCERT, 11th NCERT, that is transport in plants. In the plant physiology, we discussed transport in plants. In this turn, we have discussed means of transports. Means of transport, हम previous lecture में discuss कर चुके हैं. In this turn, हमने discuss किए थे diffusion, facilitated diffusion and active type of transport. Active type of transport में energy use होती है and जो rest of diffusion है, diffusion and facilitated diffusion. That are the passive type of transport, जिसमें energy का use नहीं होता. After this, हम इस turn में discuss करेंगे about the plant-water relationship. Plant water relation. Plant and water के बीच में जो relation होता है वो हम यहाँ पर discuss करेंगे. As we know that plant is most important thing in the plants. Water के बिना plants में कोई भी physiological activities नहीं हो सकती. So water is essential for all physiological activities in the plants. वाटर की इम्पोर्टेंस हम देखें इन द प्लांट. क्या क्या जो इम्पोर्टेंस होती है वाटर के प्लांट के अंदर वाटर की. सबसे पहली जो एक्टिविटी है वाटर की इन द प्लांट, दैट इज इट इज अ एक्सीलेंट सॉल्वेंट. इट इज एक्सीलेंट सॉल्वेंट. सो एक्सीलेंट सॉल्वेंट होने की वजह से कोई भी टाइप का सब्सटेंस और सॉल्यूट है जो है इसमें इजीली डिसॉल्व हो सकता है और एक्टिविटीज के लिए ये कैसा होगा, इजीली अवेलेबल होगा. आफ्टर दिस इट हेल्प्स इन द अपटेक एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस लाइक मिनरल्स एंड another type of solutes. These substances are also require water for uptake and distribution in the plant. They also require water. After this, the next requirement of water in the plant is in the growth and production. प्लांट को ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए भी वाटर की नीड होती है. बिकॉज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है वो किसके थ्रू होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस के थ्रू, और उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नीड होगी वाटर की. आफ्टर दिस वाटर आल्सो प्लेज डायरेक्ट रोल इन द मैनी यूजफुल रिएक्शंस. बहुत सारी जो रिएक्शंस होती है इसके लिए ये एक सॉल्वेंट की तरह काम करेगा और एज अ रिएक्टेंट की तरह काम करेगा. सो इट इज ऑल्सो यूज एज अ रिएक्टेंट इन मैनी रिएक्शंस इन प्लांट्स. आफ्टर दिस जो प्रोटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, प्लांट्स जो है इनके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं और सेल्स में प्रेजेंट होता है प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म का जो मैन फैक्टर है दैट इज ऑल्सो वॉटर. वॉटर ही इसका मैन बेस होता है और वाटर के अंदर डिफरेंट टाइप के सॉल्यूट्स एंड सस्पेंडेड सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं. सो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज ऑल्सो वाटर. द नेक्स्ट थिंग इज जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वाटर का in the plants, that is water plays a key role in photosynthesis. It plays a key role in photosynthesis because photosynthesis ke andar jo reactants hain, the reactants are carbon dioxide and water. So water is most important reactant in the photosynthesis and oxygen is also releases from the H2O. ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है ये कहां से आती है, इट कम्स फ्रॉम द H2O, नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड. सो ये सब फीचर्स हो गए वाटर के इन द प्लांट्स. आफ्टर दिस हम किसी भी प्लांट के अंदर देखें तो प्लांट का जो मैक्सिमम एरिया है दैट कवर्स बाय वाटर,
इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं वाटरमेलन से। वाटरमेलन का जो टोटल वेट है, इस वेट में से 92% ऑफ देयर वेट इज वाटर एंड द रेस्ट ऑफ मास इज ड्राई वेट। आफ्टर दिस जितने भी प्लांट्स हैं उनका ओनली 10-15% पार्ट ही ड्राई वेट होता है, रेस्ट ऑफ पार्ट जो है वो क्या होगा, वाटर। सो 70-80% पार्ट इज वाटर ऑफ एवरी सेल और ईच सेल इन प्लांट्स। एज वी नो कि वाटर जो है प्लांट्स में कहां से आता है, रूट्स के थ्रू फ्रॉम द एब्जॉर्बेशन। सो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को वाटर एब्जॉर्ब करने की नीड ज्यादा होती है, ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो है इनका बहुत सारा वाटर का जो पार्ट है वो इवेपोरेशन के थ्रू लॉस्ट हो जाता है एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। सो ट्रांसपिरेशन के थ्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वाटर का वो लॉस्ट हो जाता है। सो इनको वाटर का एब्जॉर्बेशन करने की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सो इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अ मैच्योर कॉर्न प्लांट जो है ये ऑलमोस्ट 3 लीटर वाटर वन डे में एब्जॉर्ब करता है। एंड वन मोर एग्जांपल ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड अपने वॉल्यूम का टोटल जो वॉल्यूम है इसका, इससे भी ज्यादा पार्ट वाटर का एब्जॉर्ब करता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो इवेपोरेशन के थ्रू लॉस हो जाता है। सो इसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने की नीड होती है। आफ्टर दिस नेक्स्ट फिनोमिना पे जाए हम, ये तो हो गया प्लांट और वाटर के रिलेशन के बारे में कि प्लांट जो है इसका क्या रोल है, वाटर का प्लांट्स के अंदर क्या रोल है।